पुलिस चौंकियां ते आतंकी हमले की आशंका की जा रही है। तस्वीर किस तरह जालियां लगाई जा रही ने ते थाने दे बाहर जिहड़े कि बंकर भी बनाए जा रहे ने दे तकरीबन हरेक थाने दे बाहर ही जिहड़ा इदां दे बंकर तुहानू देखण नू मिलणगे। शरारती अंसरां वल्लों पंजाब दा माहौल खराब करन दी कोशिश की जा सकती है, उसनू लै के पंजाब पुलिस मुस्तैद नज़र आ रही है। पुलिस चौंकियां ते आतंकी हमले की आशंका की जा रही है, उसनू लै के निर्देश दिए गए हैं कि जिहड़े सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाण, उसनू लै के जिहड़े कि तुसीं देख सकते हो तस्वीर किस तरह जालियां लगाई जा रही ने ते थाने दे बाहर जिहड़े कि बंकर भी बनाए जा रहे हैं। तुहानूं तस्वीर दिखावांगे कि किस तरह जिहड़ी पुलिस प्रशासन है पूरी मुस्तैदी दे नाल कोई भी अणगहली ना हो सके। तुहानूं दस दिए कि 15 अगस्त नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री सीएम मान साहब का भी जिहड़ा कि लुधियाणे दे विच प्रोग्राम रख्या गया है ते जिहड़ा फ्लैग होस्टिंग है वह इस बारी लुधियाणे ही करनगे। ते खबर है कि कोई शरारती अंसरां वल्लों पंजाब दा माहौल खराब करन दी कोशिश की जा सकती है, उसनू लै के पंजाब पुलिस मुस्तैद नज़र आ रही है। तुसीं देख सकते हो असीं थाणा सदर दे बाहर खड़े हाँ किस तरह जिहड़ी जालियां लगाई गई हैं, क्योंकि पिछले दिन जिहड़ी चंडीगढ़ तो खबर आई थी कि जिहड़ी ग्रेनेड नाल सरकारी जिहड़े बिल्डिंगां ते हमला होया सी ते उस तो बाद लैके जिहड़ी पुलिस है कोई भी कसर नहीं छड्डना चाहती ते कोई भी जिहड़ा कि तुसीं देख सकते हो जालियां इसलिए लगाई गई हैं कि कोई भी जिहड़ा कि वो कोई चीज़ सुट सकते हैं, जिहड़े ग्रेनेड वगैरह ने जिहड़े विस्फोटक है वो बाहरों सुट्टे ना जा सकन। इसनू देखते हुए जिहड़े बाहर जालियां लगाई हुई ने अंदर जिहड़े कि जिहड़े बंकर भी बनाए हुए ने ते उत्थे जिहड़े पुलिस मुलाजम तैनात ने तुहानूं वो भी तस्वीर दिखावांगे। थाणा सदर के बाहर दीआं तस्वीरां देख सकते हो कि किस तरह जिहड़े कि बंकर बनाए गए ने ते उस तो बाद जिहड़े पंजाब पुलिस के मुलाजम ने उन्हां नूं भी तैनात किया गया पूरी मुस्तैदी के नाल। जिहड़े कि इत्थे पंजाब पुलिस के जिहड़े जवान है वह खड़े ने ते 15 तरीक नूं लै के जिहड़ा सीएम साहब का प्रोग्राम है उसनूं लै के कोई भी अणगहली ना हो सके, कोई भी शरारती अंसरां वल्लों पंजाब का माहौल ना खराब किया जा सके, उसके जिहड़े पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। तुहानूं होर भी जिहड़ी तस्वीरां है नाल ही थाणा डिवीज़न नंबर 8 है उस दीआं भी तस्वीरां दिखावांगे कि उसके उपर भी किस तरह जिहड़े कि नैट जालियां बनाईआं होईआं ते लुधियाणा दे तकरीबन हरेक थाने दे बाहर ही जिहड़ा इदां दे बंकर तुहानूं देखण नूं मिलणगे। 15 अगस्त को लेकर हर तरीके के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रबंध किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जगह जगह पे नाके लगाए जा रहे हैं। जहाँ पे ये सारा प्रोग्राम होना है वहाँ पे जो हमारी फोर्स है वो लगातार वहाँ पे उसकी निगरानी कर रही है और वहाँ पे हर तरीके का चेक, चाहे वो एंटी सैबोटाज चेक हो और जिस जिस तरीके की सुरक्षा के जो स्टेप लिए जाते हैं वो लिए जा रहे हैं। जी, एक थानों के बाहर जाल लगाया गया है, आम तो बंकर पहले देखा नहीं गया तो बंकर में, तो क्या कुछ खास है, कोई ओपन पोर्ट है, क्या चक्कर? ये भी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये भी एक मुहिम है जिसके अंतर्गत हम हमारे जो थाने हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और ज़्यादा सुरक्षित बना रहे हैं। तो ये एक जनरल ड्राइव है हमारी तरफ से जो ली जा रही है, जिससे हमारे सारे थाने और सारे जितने पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको हम और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। पूरे जिले भर में कर रहे हैं ऐसे सर? पूरे जिले में कर रहे हैं। किस तरह से बनाया जा रहा है? जैसे कि जो हमारी फोर्स है उसको हम अलर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लगातार नाकाबंदी कर रहे हैं, जो वहाँ पे हम जाल लगा रहे हैं, सैंडबैग लगा रहे हैं, जो सीनियर अफसर्स हैं उनके द्वारा जगह उनके समय समय पे हिदायतें जो हैं जारी की जा रही हैं और उनकी पालना हो रही है। बंकर बनाए जा रहे हैं सर? बंकर भी बनाए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बंकर जैसी कोई बात नहीं है जी। जो मैंने कहा वो ये है कि वहाँ पर हम जाल लगा रहे हैं, सैंडबैग लगा रहे हैं, हमारी फोर्स को अलर्ट कर रहे हैं और हर तरीके के जो सुरक्षा प्रबंध है जो सीनियर अफसरों ने हिदायतें जारी करी हैं उसके मुताबिक उनको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। शहर के जो बड़े चौक हैं, जो खास चौक है, उनपे सुरक्षा कैसी है? उनकी सुरक्षा को लेकर हर तरीके के प्रबंध किए जा रहे हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे हो गया, हमारा सेफ जो सिटी लुधियाना का प्रोजेक्ट है उसके अंडर उनको कवर किया जा रहा है, वहाँ पर हमारी नाकाबंदी करी जा रही है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा हर तरीके के उपराले किए जा रहे हैं जिससे जो चौक हैं एक तो वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या ना आए और वहाँ पे किसी भी तरीके का जो है एक्सीडेंट ना हो और जो नागरिक हैं वो सुरक्षित महसूस करें। सर, रात के समय का कैसे प्रबंध है, जैसे सुरक्षा को लेकर रात के समय नहीं? रात के समय की भी सुरक्षा पूरी तरीके से दुरुस्त करी जा रही है, उसके अंतर्गत नाकाबंदी, कैमरे के थ्रू निगरानी और सीनियर अफसरों के द्वारा सरप्राइज विजिट चेकिंग, ये सारा कुछ किया जा रहा है। पुलिस पूरी तरह अलर्ट है जी। सर, एक सवाल है, 15 अगस्त को लेकर सीएम साहब जैसे आ रहे हैं तो क्या लगता है उसी के संबंध में ये सारा जो मुहिम चलाई जा रही है? ये एक जनरल सिक्योरिटी रिव्यू और मैकेनिज्म है जो पुलिस कर रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है, सीएम साहब आ रहे हैं तो 15 अगस्त को लेके सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए बहुत तैयारियाँ चल रही हैं, तो उसके अंतर्गत भी ये
एक उपराला है। जी थ्रेट के इनपुट तो आते रहते हैं जी, अभी भी हैं, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन जो हमारी सुरक्षा प्रबंध है वो चाहे वो इनपुट आए या ना आए, लेकिन हमारी सुरक्षा प्रबंध हमेशा जो है वो अच्छा होना चाहिए। बिल्डिंगों को टारगेट बनाया जाता है, जैसे पहले दीनानगर में हमला हुआ, नवाशहर के थाने में हमला हुआ, मोहाली में अटैक हुआ। सर सीएम साहब विजिट कर रहे हैं कहीं, इसलिए जैसे सीएम साहब की विजिट ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है जिस वजह से जो है क्या कहते हैं सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, पर जनरल भी हम जो हमारी सुरक्षा है उसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं।